सपाइयों ने कैंडल के साथ शांति मार्च निकालकर पुष्पेंद्र यादव को दी श्रद्धांजलि। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को सपाइयों ने बताया अवैध पैसों की मांग को लेकर हत्या। कहा 9 को पूर्व सीएम अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी रणनीति। जी हां, रविवार को झांसी जनपद के मोड इलाके में पुलिस की गोली से हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को सपाइयों ने पुलिस की अवैध वसूली को लेकर हत्या बताकर शहर की सड़कों पर कैंडल शांति मार्च निकालकर मृतक पुष्पेंद्र यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर के बाद जिला समाजवादी कार्यकारिणी के साथ सपा कार्यकर्ता शहर के स्थानीय कंपनी बाग में एकत्र हुए और प्रदेश की गुंडागिरी की कानून व्यवस्था को कोसते हुए हाथों में जलती हुई कैंडल लेकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए सवार कर चौकों से आकर घंटा घर पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने एनकाउंटर में मृतक पुष्पेंद्र यादव को श्रद्धांजलि दी। इस मामले में समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह के साथ सपा नेता राजेश यादव ने बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस की गुंडागिरी चरम सीमा पर है और पुलिस की गुंडागिरी के कारण लगातार सीधे साधे लोग की मौत हो रही है। प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है, जिस कारण निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। रविवार को मोट थाना क्षेत्र में कोतवाल धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा अवैध पैसों की मांग को लेकर वहां के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर का रूप दिया, जबकि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है। जिसकी मौत हुई है उसके खिलाफ किसी भी थाने में एनसीआर दर्ज तक नहीं की गई। वह एक सीधा साधा व्यापारी था और पुलिस उस पर अवैध पैसों की मांग को लेकर दबाव बना रही थी। इसको लेकर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, पर एनकाउंटर का रूप दे दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो पूरे बुंदेलखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 9 तारीख को मोट आकर मृतक पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मिलेंगे। इससे यह समझा जा रहा है कि 9 तारीख तक यदि दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं होती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी बन सकती है। क्या कारण रहा और क्या आपका वो मांग है, क्या है? कल जो मोट में पुष्पेंद्र यादव जो हत्या हुई है, एक इंसान जो घर से अपने घर के काम को लेकर बाहर निकला है और कुछ देर बाद उसके घर को खबर मिलती है कि उसका एनकाउंटर हो गया, जिसके ऊपर कोई केस नहीं और उसका एनकाउंटर, मैं इसे एनकाउंटर नहीं हत्या मानती हूँ। और जब तक इसकी हत्या के हत्यारे को सजा नहीं मिलती, हम सब लोग इसी तरह संघर्ष करते हैं। हम लोग लगातार जो पुलिस की जातियाँ निर्दोष लोगों पर बढ़ रही हैं, और कल जो घटना हुई मोट कोतवाल धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा एक निर्दोष लड़के पुष्पेंद्र यादव की नाजायज पैसों की मांग को लेकर हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग ये प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को आगाह करने आए हैं कि हम सब लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक जो दोषी ऐसे हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हम सब लोगों का यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।